स्टूडेंट्स हाउ आर यू। मैं आपके शीशम स्कूल कक्षा चौथी की अध्यापिका। आज हम करेंगे पार्ट 3 की बैक एक्सरसाइज अभ्यास ताली का। सबसे पहले है हमारे एक शब्द में उत्तर दीजिए। राजा जंगल में किस लिए गया था? शिकार करने। राजा जंगल में क्यों व्याकुल हो गया था? प्यास के कारण। कुएं से राजा को किसने निकाला? भिक्षुक ने। नेक्स्ट है, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। राजा शिकार खेलने कहाँ गया? जंगल में, खेत में, वन में या नदी के किनारे? तो कहाँ गया था? जंगल में। हम जंगल पर टिक लगा देंगे। नेक्स्ट है, राजा को कुएं से किसने निकाला? भिक्षुक ने, साधु ने, संत ने या व्यक्ति ने? तो किसने निकाला था? भिक्षुक ने। हम भिक्षुक पर टिक लगा देंगे। नेक्स्ट है, किसने किससे कहा? हमें अपना सर्वस्व उसे दे देना चाहिए। ये किसने कहा था? राजा ने सबसे, मतलब अपने मंत्री वगैरह से कहा था। तो यहाँ लिख देंगे राजा ने सब से। महाराज, यह राजपाट अब आपका ही है, इसे आप संभालिए। ये किसने कहा था? भिक्षुक ने राजा से। जब राजा अपना सब कुछ उनको दे देता है तो वो क्या बोलते हैं? ये राजपाट आपका ही है, आप ही से संभालिए। तो यहाँ लिखेंगे भिक्षुक ने राजा से। हमें भी उसके साथ उपकार करना चाहिए। ये किसने कहा था? सबने राजा से। उसके मंत्री रानी वगैरह जब उससे नाराज़ हो गए थे तो उन्होंने, राजा ने उनको कहा था कि भाई उसने मेरे प्राण बचाए हैं, तो उसने कहा कि हमें भी सबका उपकार करना चाहिए। तो किसने कहा था? सबने राजा से। नेक्स्ट है हमारे लॉन्ग क्वेश्चन, इन्हें अभी हम छोड़ देंगे। उसके बाद है, समझिए और वाक्यों को पूरा कीजिए। वह कुआं है, कुएं से पानी भरना है। वह वहाँ धुआं है, वहाँ धुआं हो रहा है। वहाँ सुआ है, वहाँ सुआ रखा है। नेक्स्ट है हमें र की मात्रा के शब्द बनाने। हमारे जो इस पाठ में दिए हुए गए हैं उन्हीं के हमें शब्द लिखने हैं। तो मूरख था, जैसे र की वो लगानी है। सर्वस्व आशीर्वाद, प्रयत्न प्राण प्रसन्न, ये हमारे र के हैं और ये नीचे र के हैं। तो प्रयत्न प्राण प्रसन्न और सर्वस्व और आशीर्वाद, ये हमारे शब्द हैं। उसके बाद है वर्ण विच्छेद कीजिए। कक्षा, क जमा अ जमा क्ष जमा अ जमा आ। पैसा, प जमा स से जमा सॉरी प जमा ए जमा स जमा आ। नानी, न जमा अ जमा न जमा ई नानी, ये हमारे वर्ण विच्छेद है। नेक्स्ट है, वाक्यों में से संज्ञा शब्द छांट कर लिखिए। राज स्कूल जाता है, तो इसमें राज किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो राज इसमें व्यक्ति का नाम है, तो राज। सीता सो रही है, सीता। पिताजी फल लाए हैं, पिताजी। श्याम घर में नहीं है, श्याम, ये हमारे इसमें संज्ञा शब्द हैं। ये हमारी बैक एक्सरसाइज है, ये कम्प्लीट हो गई है। आप इसको बुक में ही भरो और इसको लर्न करो। थैंक यू।